हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, जो कि 12th क्लास के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। चार रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, जिसमें हम बात करेंगे हैवर प्रोसेस की, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस की और डेकन प्रोसेस की। ठीक है, इसमें हम चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको चारों रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सारी रिएक्शन को। तो आप कॉपी निकाल लो, मेरे साथ नोट करते जाना और समझते जाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हैबर प्रोसेस की। तो हैबर प्रोसेस में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया प्रिपेयर करने का काम आता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि प्रोसेस किसकी की है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसको हम NH3 भी बोलते हैं। तो अब देखो इसकी रिएक्शन होगी कैसे। तो हैबर प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, N2 नाइट्रोजन, जो कि गैस की फॉर्म में होगा नाइट्रोजन, N2+3H2, N2+3H2। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स किसके साथ, Fe2, FeO, FeO एंड Al2O3। ठीक है, और यहां पर जो आपका होगा 700 केल्विन टेम्परेचर होगा एंड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, 200 ATM प्रेशर। कैटलिस्ट में क्या डाला हमने, FeO, जो कि आपको क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, 700 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो आपका क्या फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। मतलब कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में NH3 मिला है, क्योंकि यहाँ पर NH3 आगे 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में हमको यहाँ पर क्या मिलता है, अमोनियम मिलता है, अगर हम इस रिएक्शन के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो होगा ये भी आपका गैस की फॉर्म में होगा, तीनों गैस की फॉर्म में होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अमोनिया है। ये थी आपकी हैबर प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्टेक्ट प्रोसेस की, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो अब बात कर रहे हैं हम देखो कॉन्टेक्ट प्रोसेस की। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप में होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, 4 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देखो 4 स्टेप में अच्छा से समझ में आएगा। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, हम वन बाय वन लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ SO2। पहले फॉर्मेशन ऑफ SO2 करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में हम जो सल्फर का 8 मॉलिक्यूल लेंगे, S8+ में इसमें ऐड करेंगे हम 8O2, ऑक्सीजन जो O2 है उसके 8 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के 8 मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा आपका, 8SO2, 8SO2। ठीक है, S तो 8S है यहाँ भी और ऑक्सीजन भी 8 है। देखो देखो 8 2 16, तो 16 ऑक्सीजन है और सल्फर भी कितने हैं, 8 है। ठीक है, ये सल्फर है आपका, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल लेते हैं हम। क्या फॉर्म किया हमने, SO2 फॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म करेंगे, लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ SO3। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ SO3। अब SO3 फॉर्म करना है, तो इसमें हम 8SO2 नहीं लेंगे, इसमें हम इसके SO2 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो SO2 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसमें हम रिएक्शन करेंगे किसकी, इसमें ऐड करेंगे हम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, और यहां पर हम लेंगे कैटलिस्ट में हम डालेंगे, यहां सेकेंड स्टेप में हम कैटलिस्ट डालते हैं और 450 डिग्री यहां पर फॉर्म होगा क्या आपका, देखो 2SO2 है तो सल्फर भी यहाँ भी 2 ही होंगे और SO3 हो जाएंगे। देख लो 2 6 ऑक्सीजन है, काउंट कर लो इधर भी इधर भी। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड जो स्टेप है आपका वो होगा फॉर्मेशन, जो कैटलिस्ट डलेगा ना स्टूडेंट्स, वो सिर्फ यहाँ पर ही डलेगा, बाकी में आपको कैटलिस्ट नहीं डालना। तो यहाँ इतना याद रखना कि सेकेंड स्टेप में हम ये डालते हैं फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम, ओलियम जिसको हम H2S2O7 बोलते हैं, H2S2O7 को हम ओलियम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। इसकी फॉर्मेशन करनी है हमें किस इससे, तो हम यहां पर लेंगे SO3+ में हम डाल रहे हैं यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम H2SO4 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने यहां पर H2SO4 क्यों डाल, यहीं पे हमने क्यों डाल दिया। देखो स्टूडेंट्स, हमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, इसलिए हमने, अगर आपको कुछ ज्यादा अमाउंट में चाहिए और अगर आपको थोड़ा सा वही चीज डालनी पड़ रही है रिएक्शन में, तो आप डाल सकते हो ना,
अगर आपको वो डालने से अगर आपको ज्यादा अमाउंट में वही चीज मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सुरेक्स में डाल सकते हो ये चीज। इसलिए हमें अगर हमने इसमें डालते हैं तो हमें हमारा जो प्रोसेस होगा वो आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से हमें ज्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में हमें H2SO4 मिलेगा। इसलिए हमने स्मॉल अमाउंट में हमने H2SO4 डाला, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या फॉर्म होगा, H2S2O7, सल्फर एक यहाँ है एक सल्फर यहाँ है, ठीक है, तो H2 यहाँ माना जाएगा, ठीक है, बाकी H2S2 और O7, 3 और 4 O7, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओलियम बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ और लास्ट स्टेप जो होगा इसका वो होगा डाइल्यूशन। डाइल्यूट में क्या करते हैं हम, H2O डालते हैं, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। अब अगर ओलियम जो है इसमें डाइल्यूशन कर दो, मतलब कि H2S2O7 इसमें हम क्या डाल दें, H2O डाल दें, डाइल्यूशन मतलब हमने H2O ऐड कर दिया, तो क्या फॉर्म होगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, H2SO4, और ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा इसलिए हमने 2 लगा दिया आगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन हमें लास्ट में मिला क्या, मैक्सिमम अमाउंट में हमको क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्टवाल्ड प्रोसेस की। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस की, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, देखो वन बाय वन जानेंगे हम, 3 स्टेप में करते हैं इस रिएक्शन को। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, 4NH3, 4NH3 एंड 5O2, क्या फॉर्म होगा आपका यहाँ पर, 4NO। अमोनिया कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 4 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, एक अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 5 मॉलिक्यूल लिए, क्या बना आपका, 4NO। अब देखो 4N, N कितने यहाँ पर, 4 हो गए, मतलब N बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना जरा, यहाँ प्लस में और क्या आना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 4 आ चुके हैं, टोटल 10 ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6, तो मतलब कि यहाँ आएगा 6H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करके समझ सकते हो, ठीक है। इसमें इसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में आप क्या डालोगे, प्लेटिनम एंड 850 टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट में डालोगे और 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालना है, ठीक है, कैटलिस्ट में, तब जाकर के आपका ये फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 2NO लेना है आपको, 4NO नहीं लेना, 2NO लेना है, 2NO, अगर इसमें हम O2 डालते हैं तो क्या फॉर्म होगा, 2NO2 फॉर्म होगा, ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 है, N2 to the 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ लेंगे NO2, यहाँ पर 2NO2 था लेकिन यहाँ पर 3NO2 लेंगे, क्यों, क्योंकि जब प्रोसेस जब होती है ना वहां पर हम, अब मैं तो आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, लेकिन जब प्रोसेस होती है तो वहां पर जब हमें ये फॉर्म होता है ना, तो उसके बाद हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ऐड करते हैं, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें, तो इसमें हम एक मॉलिक्यूल NO2 का और ऐड करते हैं, लेकिन हम रिएक्शन में करके नहीं दिखाते, इसलिए यहाँ पर 3NO2 हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो 3NO2 इसमें हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका भी, जैसे हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लास्ट में किया था H2O डाला था, वैसे ही हम ऑस्टोल प्रोसेस में लास्ट में H2O डालेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और कौन कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा आपका, NO साइड में निकल जाएगा, ठीक है, अब रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम डेकन प्रोसेस की, तो डेकन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन गैस इसी एक लाइन की रिएक्शन है, तो 4HCl, HCl लेते हैं कितने, 4 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस O2, हम यहाँ डालेंगे कैटलिस्ट में CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है, टेम्परेचर लेंगे हम 673 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करके खुद लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरीन कितनी फॉर्म होंगी,
सीएल टू क्लोरीन आपकी निकलेगी और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू आपके निकलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी क्या थी, डेकन प्रोसेस थी, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने ऑक्सीजन डाला, तो हमने 673 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसमें हमने कैटलिस्ट में क्या डाला, कॉपर क्लोराइड, तो हमें क्या फॉर्म हुआ, क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई जिसमें, और एच टू ओ भी निकला है फिर उसमें। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, डेकन प्रोसेस थी। तो ये चारों रिएक्शन इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, मैंने इजी तरीके से बता दिया आपको और अच्छे से समझा दिया चारों रिएक्शन एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको स्टूडेंट्स समझ में आई ये वीडियो तो लाइक करिए, और स्टूडेंट्स आगे आप किस पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ये वीडियो समझ में आया कि नहीं ये मुझे बताएं जरूर। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।